हेलो गाइस, मैं उपलम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हमारे पास सैमसंग का एक टीवी है CRT। तो इस पर आपको जो थंबनेल देखा है उसमें एक प्रॉब्लम है, जो स्क्रीन जो है वो छोटा होकर आ रहा है। तो उसका कंडीशन में आपका कभी कभार ये ब्लैक स्क्रीन भी हो जाता है। तो ये दो प्रॉब्लम है इस पर, जो थंबनेल में जो दिखाया गया है आपको स्क्रीन छोटा हो गया था, तो उस प्रकार से इसमें एक फॉल्ट है जो कि वो प्रॉब्लम आपका लॉस कॉन्टेक्ट में यहाँ पर मिलेगा। तो अभी देख सकते हैं फिलहाल ब्लैक स्क्रीन आ रहा है इसका। जब हम इसमें पावर देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका बेस्किट पे थोड़ा लूज कॉन्टेक्ट की जैसा, मतलब इसमें स्पार्क होता है जब पावर देते हैं हम यहाँ पर। और आपका ब्लैक स्क्रीन का जो फॉल्ट है ये आपका बेस्किट में आ रहा है, और पिक्सेलिटी का अगर अंदर से शॉर्ट सर्किट होता है तो आपका बेसबोर्ड पर स्पार्क होता है, साउंड होता है अलग अलग सा। तो हमारे इसमें वही कंडीशन दिखाई दे रहा है। और आपका दूसरा एक फॉल्ट है जो कि थंबनेल में आपको दिखाई दिया है ऑलरेडी। तो थंबनेल में जो प्रॉब्लम दिखाई दिया है वो ST की आसपास लूज कॉन्टेक्ट है, तो इसको रिसोल्डरिंग करने से ये चला जाएगा। और आपका जो शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कुछ स्टेप, चूँकि ये जो बेस किट है यहाँ पर अगर कुछ लूज कॉन्टेक्ट होता है तब भी आपका स्पार्क हो सकता है। और आपका पिक्सर ट्यूब अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तब भी आपका स्पार्क होता है, साउंड आता है अलग से। यहाँ पर जिस प्रकार से स्पार्क हो रहा है इस प्रकार से फायर मार रहा है, साउंड कर रहा है। फिलामेंट जल रहा है अंदर का, इस पर क्या ऑफर हो रहा है। तो गाइस हमारे पास एक ये जो शॉर्ट सर्किट हो रहा था यहाँ पर, इसके अंदर जो ये बेस के अंदर जो स्पार्क हो रहा था, तो हम इसके कारण क्या करेंगे। अभी स्पार्क होने का कारण क्या होता है, जो पिक्सर ट्यूब है उसमें यही कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके पास हमारे पास एक चार्जर है जो बना हुआ चार्जर है, तो इसकी मदद से हम इसको चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद हम इसको चालू करेंगे दोबारा। तो चार्ज करने के लिए सबसे पहले हम इसको 6 वोल्ट से चार्ज करेंगे, जो यहाँ पर देख सकते हैं 6 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट लिखा हुआ है। तो 6 वोल्ट पर रख के हम इसको चार्ज करेंगे। और यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू अलग अलग कलर अलग अलग पार्ट में चार्ज करेंगे। तो इसके लिए हम इसको पावर दे देंगे। जैसे हम पावर दिया तो यहाँ पर एक इंडिकेटर आया हुआ है जो कि पावर मिल रहा है इसको। इसको ऑफ कर दिया क्योंकि जो इसका अंदर कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर स्टॉक कर रहा है। और यहाँ पर LED जल रहा है, ये LED धीमे धीमे के चला जाएगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होते रहेगा। इस प्रकार से इसको चार्ज कर लेंगे, हर कलर को अलग अलग करेंगे चार्ज, जो कि इसमें 2 से 3 मिनट चार्ज देंगे। उसके बाद में हम इसको ग्रीन कलर को चार्ज करेंगे। इस तरह से हम इसको चार्ज करेंगे हर एक कलर को। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर उठाएंगे जो कि 8 वोल्ट 9 वोल्ट था, जो कि 9 वोल्ट पे हमें उसे कनेक्ट कर दिया हुआ। अभी जैसे ही 9 वोल्ट पे कनेक्ट किया हो तो LED जल्दी ये डिस्चार्ज होगा। तो देख सकते हैं हाथों और डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन सबसे पहले हम इसको 6 वोल्ट चार्ज करना है, उसके बाद में 9 वोल्ट, उसके बाद में 12 वोल्ट। इस प्रकार से हम इसको चार्ज देंगे। उसके बाद हम स्क्रीन देखेंगे क्या होता है, कुछ पकड़ सकेगा क्या, क्या होगा कि यहाँ पर अगर शॉर्ट सर्किट होगा कुछ तब भी चला जाएगा, और आपका पिक्सर ट्यूब का जो क्वालिटी घट गया था कम हो गया तो वो भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको थोड़ा टाइम चार्ज कर लेता हूँ। तो हमने कुछ टाइम के लिए चार्ज दिया हूँ, तो अभी हम इसको इसका नेक चार्जर वाला खोल देता हूँ। उसके बाद हम इसमें डालता हूँ ये वाला
जो इसका मेन किट है इसको डाल देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट हो रहा था वो अभी फिलहाल है या नहीं है, जैसे हम इसको कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी हो गया हमारा टीवी चालू करने की, टीवी के जो पावर केबल है इसको लगा देता हूँ और टीवी का स्टैंड बाय हम यहाँ से रिलीज कर देता हूँ। तो अभी इसमें देख सुन सकते हो कोई स्पार्क नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल भी रनिंग कंडीशन के जिस हिसाब से होना चाहिए उसी हिसाब से है। तो हम सामने देखते हैं इसका क्या हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं आ चुके हैं, जो आपका पहले नहीं आ रहा था वो फिलहाल अभी आ चुका है। मतलब इसका मतलब है हमारा जो पिक्सर डिब है उसके अंदर ही शॉर्ट सर्किट था और चार्ज करने के बाद जो ये इसका फॉल्ट है वो चला गया है। तो इसी तरह से आप काफ़ी पिक्सर डिब शॉर्ट सर्किट होता है, अगर आपका कलर भी डैमेज हो जाता है तब भी आप चार्ज कर सकते हो। तो इसका अगर चार्जर का ड्राइव हम चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें।